हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे कंक्रीट की ग्रेड के बारे में। तो पहला हम देखेंगे कि कंक्रीट आखिर बनता कैसे, हाउ कंक्रीट इज मेड। तो हम सबको पता है कंक्रीट जो होता है वो मिक्सचर होता है सीमेंट का, सैंड का, एग्रीगेट का एंड वाटर का, और जो एग्रीगेट इसके अंदर यूज़ किए जाते हैं। अब देखते हैं कि कंक्रीट के ग्रेड कैसे डिसाइड होते हैं। जैसे हम जानते हैं कि कोई सा भी कंक्रीट होता है, ठीक है, उसका जो मिक्सचर होता है या फिर उसकी जो ग्रेड होती है वो डिपेंड करती है स्ट्रक्चर के टाइप पे, उसकी हाइट पे, ठीक है। एग्जांपल के लिए लेते हैं, हम M5 ग्रेड की कंक्रीट लेते हैं, ठीक है। M5 ग्रेड की कंक्रीट के अंदर M क्या यहाँ पर शो कर रहा है, M बता रहा है हमको मिक्स प्रपोर्शन, यानी कि M5 के अंदर जो M है वो मिक्स है इसके प्रपोर्शन का, इसके कंपोजिशन का, जिसके अंदर हमने 1 पार्ट सीमेंट लिया है, क्योंकि इसका जो रेशियो होता है 1:5:10 है। इट मीन्स हम 1 पार्ट इसमें सीमेंट ले रहे हैं, 5 पार्ट हम इसमें सैंड ले रहे हैं और 10 पार्ट हम इसके अंदर एग्रीगेट लेते हैं और वाटर ऐड करते हैं अकॉर्डिंगली, ठीक है। अब ये तो हमारा मिक्स प्रपोर्शन बन गया। अब यहाँ पे हमको 5 क्या बता रहा है, तो इससे इसको हम कैसे पता करेंगे कि आखिरकार कंक्रीट का ये जो M5 मिक्स है वो कैसे ग्रेड को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, क्यूब टेस्ट करते हैं। क्यूब टेस्ट के अंदर क्या करते हैं, हम एटलीस्ट 3 क्यूब सैंपल्स लेते हैं जिनका डायमेंशन होता है 150 × 150 × 150 mm। ये जो तीनों क्यूब्स जो होते हैं इनको 27 डिग्री सेल्सियस पर एटलीस्ट 28 डेज के लिए रखते हैं। इनकी टाइम टू टाइम क्यूरिंग की जाती है ताकि हम इनकी क्या चेक कर सकें, जो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ है, क्योंकि जो फाइनल कंप्रेसिव स्ट्रेंथ होती है वो 28 डेज के अंदर निकल के आती है, ठीक है। तो इन विच M5 शोज द कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ सीमेंट इन न्यूटन पर mm² और MPa। तो इसकी जो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ निकल के आ रही है, यानी कि M5 के अंदर M हमारा हो गया मिक्स प्रपोर्शन और 5 हो गई कंक्रीट की कंप्रेसिव स्ट्रेंथ, ठीक है, जो कि न्यूटन पर mm² में होती है या फिर मेगा पास्कल के अंदर होती है। जैसे जैसे आप कंक्रीट का जो प्रपोर्शन चेंज करते हैं, मटेरियल का जो प्रपोर्शन आप चेंज कर रहे हैं, ठीक है, तो क्या होगा, जो कंक्रीट की जो स्ट्रेंथ होगी उसके जो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ होगी वो भी क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। अब देखते हैं कंक्रीट की ग्रेड कौन कौन सी होती हैं और उनकी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ क्या क्या होती है और उनके मिक्स प्रपोर्शंस क्या क्या होते हैं, ठीक है। पहले हम बात करते हैं M5 से लेकर जो M25 तक जो मिक्स प्रपोर्शंस होते हैं, यानी कि M5, M7.5, M10, M15, M20 एंड M25 तक जो कंक्रीट की जो ग्रेड होती है उसकी जो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ क्या होती है, स्टैंडर्ड होती है। यानी कि M5 की बात करें तो उसकी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ होती है 5 Nm/mm² होती है, यानी इसका मिक्स प्रपोर्शन क्या हो गया, 1:5:10, जिसके अंदर 1 पार्ट सीमेंट लिया है, 5 पार्ट हमने सैंड लिया है और 10 पार्ट हमने एग्रीगेट लिया है, ठीक है। और इसके अंदर जो वाटर ऐड किया जाता है वो पर 50 किलोग्राम पर ऐड किया जाता है सीमेंट का लीटर्स के अंदर, यानी कि हम इसके अंदर 60 लीटर वाटर यूज़ कर रहे हैं पर 50 किलोग्राम के अंदर। सिमिलरली जो M7.5 है उसकी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ होगी 7.5 Nm² एंड सो ऑन, ठीक है। यानी कि M20 तक ये जो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ है वो इस तरीके से चलती चली जाती हैं। और हम देखेंगे, हमको ये पता चल रहा है कि जो M25 तक जो कॉन्क्रीट की जो ग्रेड है उसके अंदर जो सीमेंट का अमाउंट है वो तो सेम ही है, सीमेंट का प्रपोर्शन हमारा सेम ही है, लेकिन जो सैंड का और जो एग्रीगेट का जो कंपोजिशन है वो क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है, और साथ ही क्या हो रहा है, जो वाटर का जो अमाउंट हो रहा है वो भी क्या हो रहा है, धीरे धीरे करके डिक्रीज हो रहा है। ये हमने M25 तक ही क्यों लिए हैं, उसके आगे क्यों नहीं लिए हैं, क्योंकि जो कंक्रीट की जो ग्रेड होती हैं वो M75 तक चलती है, लेकिन फिर हम M25 तक ही क्यों लेते हैं, क्योंकि M25 तक जो कंक्रीट की जो ग्रेड होती हैं उनका जो यूज़ होता है वो स्मॉल स्केल की कंस्ट्रक्शन के लिए होता है, जहाँ पर यानी कॉन्क्रीट की इतनी ज़्यादा हाई अमाउंट में रिक्वायरमेंट नहीं होती है वहाँ पर हम इसका यूज़ करते हैं, यानी कि जो स्मॉल ग्रेड के जो स्मॉल स्केल के जो कंस्ट्रक्शन होते हैं, ठीक है। लेकिन जो M30 से लेकर ऊपर के जो कॉन्क्रीट की जो ग्रेड होती हैं उनका यूज़ क्या किया कहाँ किया जाता है, हैवी लोड स्ट्रक्चर्स जो होते हैं वहाँ पे उनका यूज़ किया जाता है, और उनके लिए जो डिज़ाइन मिक्सचर तैयार किए जाते हैं वो एज़ पर दी स्ट्रक्चर रिकॉर्ड किए ऐड किए जाते हैं, यानी जो हमारा स्ट्रक्चर है वो किस टाइप का स्ट्रक्चर है, क्या हम कोई मल्टी स्टोरी बिल्डिंग बना रहे हैं या अपार्टमेंट्स बना रहे हैं या फिर कोई इंस्टीट्यूशनल बिल्डिंग बना रहे हैं, ठीक है, यानी उसके ऊपर कितनी लोडिंग होगी, इन सब चीज़ों को ध्यान में रखकर उसका डिज़ाइन मिक्स तैयार किया जाता है, ठीक है। तो अब देख लेते हैं कि ये कैसे डिपेंड करता है, कैसे वेरी करता है। तो कुछ जो केसेस होते हैं उसके अंदर क्या होते हैं, जैसे कि फाउंडेशन हो गया और कॉलम क्या हो गया, इन दोनों के अंदर क्या होता है, जो कंक्रीट की जो ग्रेड होती है वो ज़्यादा रखी जाती है कंपैरिजन टू दी स्लैब्स एंड बीम्स। रीज़न क्या होता है, फाउंडेशन और कॉलम्स जो होते हैं वो कंप्रेशन मेम्बर्स होते हैं, ठीक है, और स्लैब और बीम्स जो होती है वो टेंशन मेम्बर्स होती हैं। तो लोड कैसे आता है स्ट्रक्चर के ऊपर, स्लैब बीम से होता हुआ कॉलम्स में जाएगा और उसके बाद फाउंडेशन में जाएगा, यानी इवेंचुअली क्या होता है, सारा लोड जो होता है वो फाउंडेशन में जाता है। इसलिए फाउंडेशन और कॉलम के अंदर बेसिकली कुछ केसेस में, मैं सबकी बात नहीं करी, कुछ ऐसे स्पेशल केसेस होते हैं जिनके अंदर कंक्रीट की ग्रेड ज़्यादा रखी जाती है।
और जैसे कि मैंने बताया कंक्रीट की जो ग्रेड होती है वो डिपेंड करती है स्ट्रक्चर के टाइप पे और उसकी हाइट पे, इन सब पे डिपेंड करती है। और जो कंक्रीट हमारा वो कैसे इसकी स्ट्रेंथ को गेन करता है वो देखते हैं। देखिए जो टेबल है इसे साफ पता चल रहा है कि फर्स्ट डे के अंदर जो कंक्रीट का जो क्यूब होता है जो हमने प्रिपेयर किया है वो 16% स्ट्रेंथ गेन कर रहा है, 3 डेज़ के अंदर 40% स्ट्रेंथ गेन कर रहा है और 7 डेज़ के अंदर 65% और 14 दिन के अंदर वो 90% स्ट्रेंथ गेन कर रहा है। यानी कि हम क्या देख रहे हैं कि जो कंक्रीट होता है वो इनिशियल डेज़ में ही रैपिडली 90% तक तो जो स्ट्रेंथ होती है इसकी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ वो गेन कर लेता है और रिमेनिंग 9% जो होती है वो बाकी के 14 दिन के अंदर करता है। ठीक है, यानी कि कंक्रीट की जितनी भी स्ट्रेंथ हमको मिलनी थी वो हमको 14 दिन के अंदर ही मिल जाती है। तो ये सारी चीज़ें हमें क्या बताती है, कंक्रीट की ग्रेड कैसे वेरी करती है। आई होप आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।